फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीक्षा माता ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का समय है और सवेरे सवेरे नहा धो के मैं फ्रेश हो गई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ डुगू के साथ में बगान साइड इसका भोजन लाने के लिए, घास लाने के लिए। तो इसको अभी यहीं पे उतार देते हैं। बगान देखा कि नहीं, उतर गया खुद ब खुद, मेरे गोदी से उतर के ये घास भी खाने लग गया। देखिए एकदम अंदर घुस घुस के खा रहा है घास। तो इसको अभी खाने के लिए छोड़ देते हैं और मैं इसके लिए कुछ घास इकट्ठा करती हूँ घर ले जाने के लिए, ताकि इसको जब मन तब ये खा सके। तो ये सबको अभी ले जाते हैं चुन के कुछ कुछ। इतना सारा अभी मैं घास इकट्ठा कर ली हूँ और इसका गठरी भी बना ली बांध के। तो अभी इस सबको ले जाते हैं घर के अंदर। यहाँ पे है इसका प्लेट जिसमें मैं घास रख देती हूँ। इसमें घास रख के मैं घर में रख देती हूँ, तो ये जब मन तब अपने से खा लेता है। इसको मैं घास खाने के लिए छोड़ दी तो ये चला गया सीधे गाड़ी के अंदर में। चलो निकलो, घर वापस जाना है, निकलो। देखिए डुगू को देखी कि नहीं, यहाँ बिल्ली आ गई है, उतरने का सोच रही है लगता है, इसीलिए मैं डुगू को बाहर में नहीं छोड़ती हूँ। ये बिल्ली जो है हमेशा ताक के रखती है। इसको मार के भगाना पड़ेगा वरना इसका आदत हो जाएगा। कुछ पत्थर भी नहीं नजर आ रहा है, मिट्टी सबसे ही मारेंगे इसको भी। भग, कितनी ढीठ है भाई, जा भी नहीं रही है। सामने चल के भगाना पड़ेगा, पूरा झुंड हो गया इधर। रुको आते हैं तेरे पास। भग, भागो। बिल्ली के कारण ही मैं डुगू को अकेले छोड़ती नहीं हूँ बगान में, क्योंकि बिल्ली जब भी मौका मिलता है ना उसको, वो इस साइड आ जाती है। और अगर मैं डुगू को अकेले छोड़ दूंगी तो बिल्ली इसको रहने नहीं देगी, एक ही बार में अपना भोजन बना लेगी। तो इसको अभी पकड़ के घर वापस ले जाते हैं। अरे बाप रे, ऐसा भागेगा तो कैसे पकड़ूंगी तुझे। इधर आ, चलो घर के अंदर चलते हैं। और ये रहा इसका घास, ये सब भी ले जाते हैं। गठरी खुल गया, अभी ये खाने लग गया था शायद, गठरी को हटा दिया, फिर से एक बार बनाना पड़ेगा। डुगू का भोजन को भी रख देते हैं इसके पिंजड़े के सामने, ताकि इसको जब भी भूख लगेगा ये आके खा लेगा। अभी हो गया है दोपहर और लंच करने का भी टाइम हो गया है। तो मेरा लंच इधर रेडी हो चुका है, चावल दाल सब्जी और कुंदरी फ्राई किया हुआ। तो अभी गर्मा गर्म लंच कर लेते हैं। डुगू भी अभी अपना भोजन कर रहा है, घास खा रहा है, ये भी घास के गठरी के ऊपर चढ़ चढ़ के, और ये बहुत चुन चुन के खाता है घास सबको, जो सब इसको अच्छा लगता है वो सब, बाकी सबको छोड़ देता है ऐसे ही। दोपहर में खाना पीना करके थोड़ा सा आराम कर लिए थे और अभी हो चुका है शाम, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ बगान साइड कुदाली लेके, क्योंकि उस दिन जो है पूरा घास सबको साफ नहीं कर पाई थी मैं। तो आज टाइम मिल गया है तो अभी मैं जाऊंगी और सारा घास को साफ कर दूंगी। उस जगह में मैं घास साफ कर रही थी, कुछ कुछ तो कर ली थी पहले ही, और अभी कुछ कुछ करना बाकी है और थोड़ा सा जगह है बस करने के लिए साफ, तो ये सब फटाफट से कर लेते हैं। अभी यहाँ पे पुटुस का भी पौधा उगने लग गया है, ये सबको नहीं हटाने से बड़ा बड़ा पुटुस हो जाएगा। देखिए कितना सारा घास हो गया है, इतना इतना अधिक बड़ा बड़ा है, इसीलिए एक थोड़ा सा घास में बहुत ज्यादा वाला दिख रहा है। जितना दूर घास साफ करने का था उतना दूर तो घास सब साफ कर लिए हैं। बगान में भी आ गई है दो बुलबुल चिड़िया, तार में बैठ गई है, और ये सब बुलबुल चिड़िया ही है क्योंकि 3-4 क्लास में सिखाया गया था, मतलब बुक में भी था चिड़िया को पहचानने का। तो ये बुलबुल चिड़िया का खासियत है ना कि इनका जो है लाल रंग का कलगी रहता है, उससे इनको पहचाना जा सकता है। तो इस चिड़िया का भी, ये दोनों चिड़िया का भी लाल रंग का कलगी है और आँख के किनारे किनारे भी लाल लाल दिख रहा है, देखिए उड़ गई। और देखिए हम लोग का तूज का पौधा में फिर से तूज फलने लग गया है और ब्लैक ब्लैक भी हो गया है, पक गया है। देखिए जब नहीं पकता है तो एकदम, जब शुरू शुरू में एकदम हरा हरा रहता है, जब शुरू शुरू बड़ा होने लगता है तब उसके बाद जो है रेड रेड हो जाता है। यह सब थोड़ा खट्टा टाइप से लगता है, लेकिन जोन सब ब्लैक होता है, देखिए यहाँ पे कुछ कुछ ब्लैक भी है, ऐसे जोन सब ब्लैक हो जाता है वो सब मीठा मीठा लगता है। तो ये सबको तोड़ लेते हैं, पक गया है तो। इधर एक है जो कि ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, कहाँ चला गया,
रेड भी है ब्लैक भी है, तो ये रहेगा ब्लैक, तीन को मिल गया है। और इधर भी है, नीचे नीचे देखिए, नीचे वाला सब रेड रेड दिख रहा है लेकिन काफी बड़ा बड़ा है तुझ सब, एक ही पीस कितना बड़ा है देखिए। और एक बार मैं यहाँ से तोड़ के ले गई थी जब ब्लैक ब्लैक हो गया था, और एकदम नीचे में है देखिए, जड़ के एकदम जस्ट ऊपर में। ये सबको भी तोड़ लेते हैं अभी, नहीं तो ये सब सूख जाएगा सारा का सारा, जो हम सब पका हुआ है वो सब सारा तोड़ लिए, अभी बस रेड रेड सब बचा हुआ है सब तरफ। इतना सारा तूच तो मैं अभी तोड़ ली, और ये सब काफी मीठा लगता है खाने में, ब्लैक ब्लैक सब तो और ही मीठा लगता है, इसीलिए मैं बस ब्लैक ब्लैक सब तोड़ी। और घास सब तो साफ कर लिए हैं, किसी और दिन बीज सब लगाएंगे। कुदाली को भी वापस उसके जगह में रख देते हैं। शाम का नाश्ता बनाने के लिए अभी मैं किचन आ गई हूँ, और अभी चाय बनेगा और मुरमुरे से मैं कुछ नाश्ता बनाने वाली हूँ। प्याज को अच्छे से तेल में फ्राई कर ली हूँ, और इधर थोड़ा सा अभी डल जाएगा मिर्च, इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, और अभी इसमें डालूंगी थोड़ा सा मुरमुरे, और ये सबको अच्छे से मिला देंगे। सारा तेल मिक्स हो जाना चाहिए मुरमुरे में, इस तरह से मिला देते हैं अच्छे से। लाल मिर्च पाउडर हल्का सा, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा थोड़ा करके, फिर से एक बार सबको मिला देते हैं अच्छे से। और अब मैं लास्ट में डालूंगी इसमें मिक्सचर, और अभी शाम का नाश्ता मेरा रेडी हो गया। चाय नाश्ता तो रेडी हो गया है, इधर स्पेशल मुरमुरे का नाश्ता, तो अभी नाश्ता कर लेते हैं। और अभी मैं आ गई हूँ छत के ऊपर, देखिए बच्चे लोग खेल रहे हैं मैदान में। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग एंड यहीं पे करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल में नहीं आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।